साल 1998 में आई इमोशनल ड्रामा फिल्म मेहंदी में रंजन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फराज खान आज इस दुनिया में तो नहीं है, पर इनकी छवि लोगों के दिलों में अभी भी बसती है, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म में एक हैवान दरिंदे पति के रूप में खुद को बखूबी पेश किया था। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता फराज खान की दमदार एक्टिंग और शानदार प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आपने कभी इनकी डेथ के बारे में जानने की कोशिश की है कि कब, क्यों और कैसे इनकी मृत्यु हुई? अगर नहीं तो चलिए आपको इनकी डेथ की पूरी सच्चाई बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेहंदी फिल्म में अपनी पूरी जी जान लगाने वाले अभिनेता फराज खान का जन्म 27 मई 1970 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो शुरू में ही मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े थे, जिसके बाद ये साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म फरेड से एक्टिंग की दुनिया में आए थे, जहां पर इन्हें काफी सराहा गया था। लेकिन तरक्की के रास्ते पर इन्हें अपनी फेम फिल्म मेहंदी ही लेकर गई थी, जिसमें इनके नेगेटिव अंदाज ने सभी को इस कदर इंप्रेस किया था कि इसके अलावा इन्हें दुल्हन बनू में तेरी, दिल ने फिर याद किया और चांद बुझ गया जैसी फिल्मों और कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला था। लेकिन अगर बात करें इनकी डेथ के बारे में तो हम आपको बता दें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित थे ये, जो एक तरह का खतरनाक ब्रेन इन्फेक्शन था, जिसके चलते इनकी हालत काफी नाजुक रहती थी और ये डिप्रेशन में भी रहते थे, जिसका असर इनके दिमाग पर इतना पड़ गया कि इसके बाद धीरे धीरे इनकी कंडीशन और बुरी होती गई और फिर एक दिन खराब तबीयत के चलते इन्हें 24 और फिर एक दिन खराब तबीयत के चलते इन्हें 14 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो बेंगलुरु के एक अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे। लेकिन उसी दिन ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हारते हुए महज 50 साल की उम्र में चल बसे थे और जाते जाते सबको रुला गए। वेल दोस्तों, क्या आपको अभिनेता फराज खान को खोने का दुख है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।